अभ्यास कुमार दुबे, ब्रांच मैनेजर जिला सहकारी बैंक शाखा सुहार। यहाँ पे हमारे यहाँ 23 कृषि समितियाँ हैं, उसमें 6,416 कृषक सदस्यों को राज्य सरकार की योजना के तहत 3% ब्याज दर पर 14 करोड़ रुपए लोन वितरण किया गया साल दौरान। और प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, इन योजनाओं को भी जो है शाखा द्वारा कृषक को बताया जा रहा है। ये भी योजना यहाँ पर चल रही है, रिकवरी पूरी होगी। OTS स्कीम चल रही है, राज्य सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है, उसमें भी कृषक सदस्यों को यहाँ पर हमारी शाखा से 153 कृषकों को जो है लाभ दिया गया है, जिसमें 50% जो है जो बकाया पड़ गया था उसमें 50% लोन ब्याज दे के उनको योजना का लाभ दिया गया। अच्छा, लगातार जो है आपके बैंक में जो है सुनने में आ रहा है कि ई डिजिटल होने वाला है बैंक आपका जी, जो और जो किसान हैं वो भी जो है ई के माध्यम से, ई डिजिटल के माध्यम से लेन देन कर सकते हैं, उसके लिए क्या शुरुआत हो रही है? ये शुरुआत हो गई, ये मई में शुरू हो जाएगा इसका डिजिटल का। नेट बैंकिंग जो है अप्रैल में शुरू हो जाएगी, RBI ने जो है स्वीकृति दे दी है नेट बैंकिंग सीखा। एम पॉस हमारे यहाँ चलाया जा रहा है, ATM कोर बैंकिंग है, CBS ब्रांच है हमारी पूरी जनपद की, 29 ब्रांचें हैं, तो CBS पैटर्न पे कार्य कर रहे हैं। नेट बैंकिंग जो है अप्रैल से शुरू हो जाएगी। किसानों में रुझान देखने को मिल रहा है बैंक के प्रति, क्योंकि पहले बहुत पिछड़ गए थे किसान बैंक से, मगर अब कितना आपको सहयोग दे रहे हैं किसान? नहीं, किसान बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं, हाँ किसान अच्छा सहयोग दे रहे हैं, कोऑपरेटिव से जुड़ गए हैं और लगातार यहाँ सबसे कम इंटरेस्ट पे 3% पे हम लोग लोन देते हैं कृषकों को। अन्य बैंकों में अधिक है लेकिन यहाँ पे सबसे कम इंटरेस्ट देते हैं, डिपॉजिट में 0.5% अधिक डिपॉजिट कस्टमर को दे रहे हैं।